सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। मोतीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राहतगढ़ रोड भोपा भातैल के सम्मानीय परिवार बुजुर्ग दो दिन पहले से लापता रहे और दो दिन बाद उनका शव रेत में दबा हुआ मिला। हत्या की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ पुलिस अधीक्षक अमित सांगी जी ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। सागर भापैल से मिले वृद्ध के शव के मामले में एसपी अमित सांगी ने किया जांच। के दौरान उन्हें सबूत के आधार पर अपराधी कल्लू कुर्मी निकला। हत्या का कारण लेन देन में उलझने से तंग आकर नौकर कल्लू कुर्मी ने कुल्हाड़ी से की थी वृद्ध की हत्या कर रेत में दबा दिया था, जिसे अपराधी ने मीडिया के सामने स्वीकार किया। सागर से हमारे संवाददाता राम अवतार पटेल की रिपोर्ट। अच्छा, किस वजह से तुमने उसको मारा? हमें परेशान कर रहा था 7 साल से। क्यों परेशान कर रहा था? हमारे यहाँ काम करो। अच्छा, क्यों काम करो? आपने मना नहीं किया? मना करते थे तो ही हमें मारता था। कितने पैसे लिए थे आपने उससे? उससे मैंने 2000 रुपये दी थी उसने। मैंने 2 साल काम करा था उनके पास, तो ही बोल रहे तुम्हारे पैसे नहीं चुके, काम करो हमारे थे, जबरदस्ती काम करवा जाते थे। टॉर्चर कह सकते हैं या बार बार उलाहना देता था कि भाई मेरे पैसे लौटा दो। और इसका कहना है आरोपी का कि मैं इनके घर में कई लंबे समय तक नौकरी कर लिया, पर वो सिर्फ 2000 का उलाहना देता था और इससे परेशान होकर इसने ये कदम उठाया। गुना से हमारे संवाददाता टोनी साई की रिपोर्ट। गुना के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के अवैध रेत खनन। गुना के चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा की जा रही एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई के चलते आज एक बार फिर खनिज विभाग के अधिकारी सोनू श्रीवास्तव आकाश पटेल के नेतृत्व में उनके दल ने एक बड़ी कार्रवाई की है। खनिज विभाग दल ने आज एक बार फिर चाचौड़ा विधानसभा क्षेत्र के किशनगढ़ गाँव में अवैध रूप से खनन करते हुए पनडुब्बी जेसीबी मशीन पर कार्रवाई कर जब्त की अंजाम दिया, जिससे पनडुब्बी को मौके पर ही नष्ट कर दिया और जेसीबी मशीन को जब्त कर जामनेर थाने में रखवा दिया, जिसमें मौके पर मिली रेत से भरी हुई ट्राली को खनिज विभाग के अधिकारी ने दल बल द्वारा खाली करा दी गई। और पूर्व में भी खनिज विभाग के अधिकारी सोनू श्रीवास्तव की टीम ने चाचौड़ा विधानसभा में अवैध परिवहन करते डंपर ट्रैक्टर ट्रालियों पर बड़ी कार्रवाई की थी। गुना से हमारे संवाददाता टोनी साई की रिपोर्ट। खंडवा से हमारे संवाददाता अखिलेश ठाकुर की रिपोर्ट। विजय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आकांक्षा करौठिया बनी डिप्टी कलेक्टर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा MPPSC 18 में खंडवा की आकांक्षा करौठिया ने डिप्टी अच्छी फीलिंग तो आ रही थी जब मैंने एग्जाम्स दिए थी कि हाँ अच्छी पोस्ट मिल जाएगी इस बार, और मुझे लगा था बिल्कुल कि डिजायरेबल पोस्ट मिलेगी मुझे। अच्छी है। कितने समय आप स्टडी करते थे और कैसा आप आने वाले दूसरे बच्चों को एक मैसेज देना चाहेंगे? जी, जो मेरी स्टडी था रूटीन, वो कभी भी आर बेस्ड नहीं रहा कि मतलब इतने घंटे पढ़ना है कि इतना टाइम देना है। ये था कि इतना टॉपिक मैंने आज लिया है, अपने लिए टारगेट बनाया है कि इतना मुझे आज कंप्लीट करना है तो मैं इतना कंप्लीट करके ही उठूंगी, तो आर बेस्ड नहीं थी, टॉपिक बेस्ड थी। अच्छा, आपके मदर फादर किस पोस्ट पे हैं अभी फिलहाल में और उनको कितनी खुशी हो रही है आपको ये जानकर? जी, मॉम डैड बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। और जो मेरे पापा हैं वो सागर में पोस्टेड हैं, मतलब RTO ऑफिस में असिस्टेंट ग्रेड 2 पर, और जो मेरी मॉम है वो एक होम मेकर है। ठीक है, आपका परिचय दीजिए।